दिल्ली में आम आदमी पार्टी को केंद्र सरकार ने बड़ा झटका दिया है। बीते हफ्ते अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए फिर से पलट दिया है। केंद्र सरकार ने इस अध्यादेश के जरिए एक बार फिर से ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार उपराज्यपाल को दे दिए हैं। इस अध्यादेश के जरिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन करेगी, जो दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग और विजिलेंस का काम करेगी। इस टीम में 3 सदस्य होंगे, जिसमें दिल्ली के सीएम के अलावा मुख्य सचिव और गृह सचिव भी शामिल होंगे। इस टीम की अध्यक्षता दिल्ली के मुख्यमंत्री करेंगे और सीएम की अध्यक्षता में यह समिति अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का फैसला बहुमत के आधार पर करेगी, लेकिन इस पर आखिरी फैसला उपराज्यपाल का होगा। केंद्र सरकार का यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली की चुनी हुई सरकार को मिले अधिकारों में कटौती की तरह है, क्योंकि दिल्ली में मुख्य सचिव और गृह सचिव केंद्र सरकार के जरिए नियुक्त किए जाते हैं। यानी इसका साफ मतलब ये है कि इस तरह की अथॉरिटी में दिल्ली का मुख्यमंत्री अल्पमत में होगा और एक बार फिर ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार केंद्र सरकार के पास ही होगा। वहीं केंद्र के इस अध्यादेश पर दिल्ली सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार का अध्यादेश सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बेहद स्पष्ट तौर पर कहा था कि चुनी हुई सरकार सुप्रीम है, चुनी सरकार के पास सारी शक्तियां हैं। अगर जनता ने केजरीवाल को वोट दिया है तो केजरीवाल के पास सभी निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार इस अध्यादेश के माध्यम से कह रही है कि दिल्ली के लोगों ने जिसे चुना है उसे दिल्ली की जनता के हक में फैसले लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना के साथ दिल्ली की जनता के जनादेश का भी अपमान है। फिलहाल केंद्र सरकार के इस अध्यादेश की आम आदमी पार्टी ने आलोचना की है, साथ ही आप नेता इसे सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच के आदेश की अवमानना भी बता रहे हैं। आप नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले से डरी हुई है। बहरहाल केंद्र सरकार के इस अध्यादेश पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर।